कोरोना को जड़ से सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन से ही खत्म किया जा सकता है। इसीलिए सरकार 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने जा रही है। इसके लिए भारत को भारी मात्रा में वैक्सीन की जरूरत होगी। इसके लिए भी सरकार ने विदेशों से वैक्सीन आयात करने का भी प्लान तैयार किया है। रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी का टीका अगले 1 महीने में भारत आ सकता है। इसके अलावा फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन भी भारत में अपना टीका लाने की तैयारी में लगे हैं। ऐसे में सरकार विदेशी वैक्सीन के आयात को आसान बनाने की कोशिशों में जुटी है। मोदी सरकार विदेशी वैक्सीन पर लगने वाली 10% ड्यूटी को खत्म करने पर विचार कर रही है। इसके अलावा कंपनियों को वैक्सीन की कीमत खुद तय करने की भी छूट दी जा सकती है। वैसे भी काफी लोगों को लगता है कि देसी वैक्सीन के मुकाबले विदेशी वैक्सीन ज्यादा कारगर है। खबरें ये भी हैं कि भारत में अल्ट्रा रिच लोग दुबई में विदेशी वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, जिसके लिए ये लोग काफी मोटी रकम खर्च कर रहे हैं। लेकिन अब कई बड़ी कंपनियों की विदेशी वैक्सीन भारत में भी उपलब्ध हो सकती है। विदेशी वैक्सीन पर 10% कस्टम ड्यूटी लगती है। इसके अलावा 16.5% IGST और 10% सोशल वेलफेयर सेस लगता है। सोशल वेलफेयर सेस कुल टैक्स की रकम पर लगाया जाता है। ये सभी तरह की विदेशों से आयात होने वाली वैक्सीन पर लगाया जाता है। टैक्स की वजह से ही भारत में विदेशी कंपनियों की वैक्सीन की कीमत काफी महंगी हो जाती है। अब बात आती है अभी कोरोना की कौन सी वैक्सीन सबसे ज्यादा कारगर है। फाइजर की कोरोना वैक्सीन सबसे ज्यादा 95% असरदार है। मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन 94.1% असरदार है। इसके अलावा रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का एफिकेसी रेट 91.6% है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का एफिकेसी रेट 81% है। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड 79% असरदार है, जबकि जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन 65-70% तक असरदार है। किसी भी वैक्सीन का एफिकेसी रेट इससे पता चलता है कि ट्रायल के दौरान उससे कितने लोग सही हुए। हालांकि ये सक्सेस रेट नहीं होता, सक्सेस रेट तभी पता चलता है जब ये ट्रायल के बाहर जाकर लोगों को लगाई जाती है। ये सभी वैक्सीन असल में कितनी कारगर हैं, इसका रिजल्ट आने में अभी थोड़ा और समय लगेगा। अगर इसी डेटा को असली माना जाए तो इस वक्त फाइजर, मॉडर्ना, स्पुतनिक वी की वैक्सीन सबसे ज्यादा कारगर है। लेकिन ये तीनों ही अभी भारत में मौजूद नहीं है। स्पुतनिक वी को तो मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन फाइजर और मॉडर्ना को अभी भारत में मंजूरी नहीं मिली है। लेकिन जिस तरह से सरकार ने वैक्सीन पर कस्टम ड्यूटी घटाने के संकेत दिए हैं, उसे लगता है कि अगले कुछ महीनों में ही ये वैक्सीन भारत में भी मिलनी शुरू हो जाएंगी।